हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल, टू ऑल माय व्यूअर्स एंड टू ऑल माय वंडरफुल स्टूडेंट्स. गाइस, एज यू ऑल नो दैट वी डिस्कस एवरी डे सर्टेन लीगल कॉन्सेप्ट्स, और मैं उस कॉन्सेप्ट्स को काफ़ी इजी तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो, आपको सारा कुछ समझ में आए, ईजिली समझ में आए और लॉ आपको बोरिंग सब्जेक्ट ना लगे. राइट, तो उसी क्रम में आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो लॉ ऑफ टॉट्स का है. बहुत ही इंटीग्रल पेपर है, चाहे वो जुडिशियल सर्विसेज का हो, एपीओ का हो या क्लैट यूजीपीजी किसी का भी हो. तो इसका जो पहला सवाल जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो एक मैक्सिम है, दैट इज़ व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाई उबी जूस इबी रेमेडियम. उबी जूस इबी रेमेडियम मैक्सिम का मीनिंग क्या होता है? ओके, आराम से सुनिए कि उबी जूस इबी रेमेडियम का मैक्सिम का मीनिंग क्या होता है. माय डियर व्यूअर्स, लॉ ऑफ टॉट्स में साफ साफ लिखा गया है कि वेयर एवर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी. अगर मेरा राइट है और मेरा राइट वायलेट हुआ है तो रेमेडी हमको मिलेगी. बात को समझिएगा, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी. कहने का मतलब कि जहाँ जहाँ पर आपका अधिकार है वहाँ वहाँ पर आपके लिए रेमेडी भी है. ठीक है, तो अब कैसे रेमेडी होगा, कैसे रेमेडी मिलेगा? जब अधिकार है तो रेमेडी आपको देने के लिए नहीं आएंगे, लेकिन जब आपके अधिकार का हनन होगा, जब आपके अधिकार का वायलेशन होगा, जब आपके अधिकार का इन्फ्रिंजमेंट होगा, ब्रीच होगा, उसको टेकन अवे किया जाएगा, उसको छीना जाएगा, तो रेमेडी जो है वो आपके लिए अवेलेबल होगी. राइट, कहीं भी पूरे लॉ ऑफ टॉट्स में आप देख लो कि जहाँ जहाँ पर राइट होगा तो वहाँ वहाँ पर रेमेडी अवेलेबल है. ये जनरली पूरे लॉ का कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्योंकि हम लोग अभी हम लोग लॉ ऑफ टॉट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि उबी जूस इबी रेमेडियम एक बड़ा ही हाईलाइटेड लीगल मैक्सिम है जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, और इसी के कारण से वी हैव टेकन अप फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस मैक्सिम, और इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ. जैसे कि बात को समझिए, आपका राइट है कि आपने किसी को एक आइसक्रीम बेचा और सामने वाला आपको पैसा नहीं दे रहा है. तो सामने वाला जब पैसा नहीं दे रहा है और आपने उसको आइसक्रीम दे दिया, मतलब अब आपका राइट है उसके ऊपर. राइट, अब आपका राइट है उसके ऊपर क्योंकि आपने अपने तरफ से ड्यूटी डिस्चार्ज कर दिया. तो जब ड्यूटी डिस्चार्ज कर दिया तो ड्यूटी और राइट्स को रिलेटिव है, एक दूसरे का मतलब काफ़ी घना संबंध है. कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटी, कॉरेस्पॉन्डिंग राइट्स और ड्यूटीज दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग तरीके से जाते हैं. तो अगर हमने आइसक्रीम खिलाया है सामने वाले को तो हमको पैसा चाहिए, अब मेरा अधिकार है कि वो हमको पैसा दे, और अगर वो हमको पैसा नहीं देता है तो कोर्ट हमें पैसा दिलवाएगी. और यही रेमेडी है कि मेरा अधिकार था, मेरा राइट था, और मेरा राइट आपने छीनने की कोशिश की बाई नॉट पेइंग मी द अमाउंट, कि आइसक्रीम का पैसा हम नहीं पे करेंगे. तो जब आइसक्रीम का पैसा नहीं पे करेंगे तो आप भले ही नहीं पे करिए, कोर्ट हमको वो पैसा दिलवाएगी, कोर्ट अपने तरफ से हमें वो पैसा दिलवाएगी. मतलब कि मेरे राइट को जो छीना गया है उस राइट को रीस्टोर किया जाएगा, वापस उस राइट्स को दिलवाया जाएगा. रेमेडी का काम यही है, रेमेडी का काम ही है कि जैसे कि अभी ये बुक है, इस बुक को आपने छीन लिया तो आपसे वापस ये इस बुक को लेना मेरा काम है, और यही राइट्स का रेस्टोरेशन है. किसी भी इंसान का जहाँ जहाँ पर भी राइट होगा वहाँ वहाँ पर रेमेडी होगा, और जहाँ भी कहीं भी आप देख लो, जब आप ड्यूटी एक्सरसाइज करते हो तो राइट फिर आपका राइट फिर बचा रहता है, और अगर कोई राइट एक्सरसाइज करता है तो ड्यूटी बचा रहता है. जैसे मैंने आइसक्रीम वाले एग्जांपल में बताया कि आपने आइसक्रीम खिला दिया, मतलब कि आपने ड्यूटी डिस्चार्ज कर दिया. तो जब आपने ड्यूटी डिस्चार्ज कर दिया तो राइट्स आपका है. सिमिलरली दूसरे एग्जाम्पल में देखो, हम आइसक्रीम लेकर के खा लिए, मतलब ये क्या हुआ,
आप ड्यूटी डिस्चार्ज किए या राइट डिस्चार्ज किए, आप आइसक्रीम लेकर के खा लिए मतलब कि आपने राइट एक्सरसाइज कर लिया कि आप आइसक्रीम खा लिए, तो अब आपको ड्यूटी डिस्चार्ज करना पड़ेगा कि आपको पैसा देना पड़ेगा। तो राइट्स एंड ड्यूटी साथ साथ जाते हैं। आपका राइट है कि किसी का रेप ना हो, कि किसी का मर्डर ना हो, तो स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है, पुलिस की ड्यूटी है कि वो ये देखे कि सब लोग फ्री होकर के घूमे, किसी को कोई दिक्कत ना हो, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हो, आराम से सारे लोग, किसी को कोई परेशानी ना हो। तो ये स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है, पुलिस वालों की ड्यूटी है, क्योंकि आपका राइट है, राइट। और फिर जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट का क्या राइट है ये भी बता देता हूँ। आप जो टैक्सेस, आप टैक्स पे करते हो, टैक्स पे करना ड्यूटी है आपका, और उनका राइट है कि आप टैक्स पे करो, और वो टैक्स लेंगे आपसे, ठीक है, वो टैक्स लेंगे, जीएसटी लेंगे, वो उनका अधिकार है, और आप पे टैक्स पे करोगे, ये आपकी ड्यूटी है, राइट। अब खैर वापस इधर आते हैं, तो जब जब राइट होगा, जब जब राइट होगा तो रेमेडी होगा, मतलब कि मेरा राइट अगर है और मेरा राइट अगर आपने छीना है, वायलेट किया है, इन्फ्रिंज किया है, ब्रीच किया है, टेक अवे किया है उसको, तो आपको रेमेडी देना पड़ेगा, उसकी रेमेडी आपको भुगतान करना पड़ेगा। जैसे कि टॉर्ट्स में एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि मेरे खेत में तुम्हारी भैंस आकर के चर गई, फसल खा गई, तो जब फसल खा गई, मान लो 5 लाख रुपए की फसल खा गई, तो मेरा राइट है आपके ऊपर 5 लाख रुपए का, या 5 लाख रुपए मुझे दो, आपको देना पड़ेगा। तो जब 5 लाख रुपए आप मुझे दोगे तो मेरा जो रेमेडी है वो हमको मिलेगा, मतलब मेरा राइट्स जो वायलेट हुआ था वो रिस्टोर होगा। बात समझ रहे हैं? 5 लाख रुपए, ध्यान से सुनना, 5 लाख रुपए का फसल आपकी भैंस खा गई, तो जिम्मेवारी किसकी है? आपकी जिम्मेवारी है। ड्यूटी किसकी थी कि भैंस फसल नहीं खाए? आपकी ड्यूटी थी। राइट किसका था? मेरा राइट था। अभी आपको मैं राइट और ड्यूटी का रिलेशन समझा चुका हूँ। तो जब मेरा राइट था और आपकी भैंस फसल खा गई, आपकी गाय फसल खा गई, आपकी बकरी फसल खा गई, तो अब आप हमको 5 लाख रुपये रेमेडी के रूप में दीजिएगा, और ये 5 लाख रुपए रेमेडी के रूप में देना ही मेरे राइट्स का रेस्टोरेशन कहलाएगा, राइट। एंड दैट्स व्हाई वी से दैट वेयर एवर देर इज अ राइट देर इज अ रेमेडी। इसी को उवी जूस एवी रेमेडियम को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, एंड आई होप दैट कि आपको आराम से इजी लैंग्वेज में मैंने बताया है, आपको सब कुछ समझ में आया होगा। आप बिल्कुल हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, और अगर आपके दोस्त लोग हैं, आपके सहेली लोग हैं लड़कियों की, तो आप लोग उनको भी इस YouTube चैनल के बारे में बताइए, शेयर करिए, और कोई भी टॉपिक हो तो आप हमें भेजिए, हम उस टॉपिक पर वीडियो बना करके, इजी लैंग्वेज में वीडियो बना करके आपको देंगे, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय श्री राम।